तो कैसे आप सभी लोग, हाउस द जोश, हाउस प्रिपरेशन गोइंग ऑन? हाफली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी, बहुत ज्यादा. सो लेट स्टार्ट दिस सेशन. तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95% इन हाफ ईयरली. ऐसे कुछ हम 5 टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर. डेफिनेटली अगर आप इन 5 टिप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से अपने रूटीन का पार्ट बनाते हैं, तो आई एम श्योर दीज 5 टिप्स विल गोना हेल्प यू अप अलॉट. बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड कि सबसे पहले आपको वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली फॉलो करनी है ऑन द प्रायोरिटी. तो सबसे पहला पॉइंट जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. तो जैसे कि स्टूडेंट्स, नॉट टाइम मैनेजमेंट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन द स्टूडेंट्स लाइफ ओनली, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात करूं, एज अ फैकल्टी अगर मैंने अपना टाइम मैनेज नहीं किया तो आई डोंट थिंक मैं क्लास सही टाइम पर ले पाऊंगी, या फिर मैम हमारी जो इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं उनको मैं टाइम पे अटेंड कर पाऊंगी. हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो इट इज नॉट ओनली फॉर अ स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल की लाइफ में टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है. मैम आप अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करते हो? देखो हम तो अपना क्या करते हैं कि हम एक दिन पहले ही अपना रूटीन बना लेते हैं कि नेक्स्ट डे हमको क्या करने वाले हैं. तो नेक्स्ट डे जो जो हमें करना होता है ना, उसका पूरा प्लान हमारे पास तैयार होता है कि हमें ये टास्क है हमारे और ये हमें एग्जीक्यूट करने. Definitely. अगर मैम मैं ये बोलूं कि मैं अगर अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लूं, yes. तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. तो सेम गोज फॉर यू ऑल, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले, यू हैव टू प्ले स्मार्टली. आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर आपको स्कूल का होमवर्क मिल रहा है या सपोज आपको असाइनमेंट मिल रहा है, काफी सारी ऐसी चीजें होती है ना स्कूल में जो स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉपी करनी होती है, तो आप उसको उस टाइम भी कर सकते हो जब देर आर पीपल अराउंड यू, या अगर आपको कुछ स्टडी करनी है या फिर आपको मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बायो का कोई डायग्राम करना है या फिर हिस्ट्री की डेट्स लर्न करनी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पूरा का पूरा टाइम चाहिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. और काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, पता है जब मैं भी एक स्टूडेंट थी, जब अभी भी हूँ, जब छोटी बच्ची थी 9th-10th yes. में थी, तो जब मेरे घर में मौसी चाची नानी आते थे ना, तब मैं अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाती थी. दिखाना होता था ना कि नहीं मैं भी पढ़ती हूँ. आपके साथ भी होता होगा. हाँ ऑब्वियसली. हमें क्या करना है, एक्चुअली हम आपसे कहना क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना है कि जो आपका होमवर्क का वर्क है ना, वो आपको शिफ्ट कर देना है जब आपके साथ में लोग हों, या फिर आप अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बात करते करते भी अपना होमवर्क कर सकते हो. क्योंकि उसमें क्या करना होता है, बेसिकली सिर्फ हमें रिपीट करना है, सिर्फ हमें लिखना है, तो कॉपी से मैं तो हम वो कॉपी कर सकते हैं बहुत इजीली जब हमारे पास लोगों. लेकिन आप इससे पहले जो आपका टाइम जो जिसमें आप होमवर्क करने वाले हो, उस टाइम को आपको किसको डोनेट करना है, उस टाइम को आपको डोनेट करना है आपके किसी एक न्यू टॉपिक पे, जो आप न्यू टॉपिक समझ सको. डेफिनेटली जब yes. आपको एक माइंड को रिलैक्सेशन और फुल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं या जब आप कोई क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेक श्योर आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो. क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका माइंड तो काम कर रहा है, आपका टाइम साथ में जा रहा है, बट माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. आपको लग रहा है, आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली में आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है. वो चीज आप पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग को रिकॉल नहीं हो रही है, वो लॉन्गर टाइम तक याद नहीं रह रही है. तो सबसे पहले क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है. स्टडी स्मार्टली एवरीबॉडी, दैट विल गोना हेल्प यू. तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेकंड पॉइंट की तरफ. एंड सेकंड पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंड मैप. तो इसके लिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी तरफ रखना है, स्टडीज की तरफ रखना है. कि काफी सारे बच्चे पता है यही सोच के घबरा जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, लगता है वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना. तो जब ये मेंटालिटी लेकर इंसान पढ़ने जाता है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने जाता है, तो वहीं पर 50% चीजें खराब हो जाती हैं. बट अगर आप अपना माइंडसेट ऐसे लेकर जाते हो कि ये जितना भी सिलेबस है, इफ आई ट्राई आई कैन डू, क्योंकि ट्राई बट डोंट Cry. तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है. सबसे पहले प्लानिंग करो दैट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, हाउ मच कॉन्टेंट यू हैव कवर्ड, कितना कॉन्टेंट रहता है. तो उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपके पास क्लियर एक वर्जन हो कि आपको कितना कंप्लीट करना है, कितना कंप्लीट हो गया है. तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंड मैप्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्चुअली मैम का कहने का मतलब क्या है कि माइंड मैप का क्या मतलब है, आपको ये देखना है कि आपको कितना पढ़ना है,
कितना आपका रह गए हैं चैप्टर्स, कितने दिन लेफ्ट है, वो सब आप एक तरीके से लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर या एक पेज पे पूरा उसको बना लीजिए कि कितने कितने, उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना के चलिए. और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबल हो. इम्पॉसिबल टाइम टेबल्स और गोल्स मत सेट करो, बिल्कुल भी मत सेट करो. रियलिस्टिक टाइम टेबल इज इम्पॉर्टेंट. इतना ही टॉपिक रखो जितना आप कवर कर सको. ऐसे नहीं कि हम आज फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे या फिर मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. नहीं, हमें क्या करना है, हम चाहे कि टॉपिक पढ़े बट वो टॉपिक बहुत अच्छे से हमारे जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाने चाहिए. कि अगर सपने में वो टॉपिक आए तो आप फट से बता दो. आपको एकदम टिप्स पर लर्न होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है और जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है. तो ये चीज आपको बिल्कुल टिप्स. ज्यादा पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, जितना पढ़ रहे हो उतना कॉन्क्रीट पढ़ो, बेस्ट वे में पढ़ना, उतना अच्छे से पढ़ो कि आपको कोई भी एक टॉपिक करने के बाद उस टॉपिक के जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो ताकि वो टॉपिक आपकी बैकबोन में कंप्लीट होता जाए, ताकि आप देख सको कि जो आपने पढ़ा है वो आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है. पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंड मैप्स बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको हाफिली में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. यस, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी प्रेजेंटेशन. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस इसी बात का रह जाता है कि टॉपर्स को अपने आंसर्स को एग्जीक्यूट करना बहुत अच्छे से आता है, उनको पता है कि उनको किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है. बट जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो उसको प्रेजेंटेशन जो उसकी स्किल होती है ना वो बहुत कम होती है और यहीं पे वो मात खा जाता है. यस, अगर आप टॉपर्स को देखोगे तो प्रेजेंटेशन स्किल की अगर हम बात करें तो उनकी अगर आप पेपर्स देखोगे तो वो किस पॉइंट्स में करते हैं, कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, किस तरीके से उनको लेबल करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैम इसी बात पे एक टॉपर की मैं यहाँ पर नोटबुक का स्निप लेकर आई. यस, वो बच्चों को दिखा देते हैं, वो जरूर शेयर करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि उनको आंसर सबको आता है. देखो yes. सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, मोस्टली पीपल नो, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपने yes. उसको लिखा कैसे, आपको नॉलेज है बट आपको उसको कॉपी पर दिखाना है, तो वो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करती है. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एकदम एक क्लियर रिव्यू देती हूँ. जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसके पास हजारों कॉपीज होती हैं, लेकिन वो एग्जामिनर उस कॉपी पर जरूर देखे रुकेगा या फिर उस पर ध्यान जरूर देगा जहां पर उसको एक प्रेजेंटेशन और एक वेल स्किल्ड उसको क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ दिखेगा. राइट right? तो अगर आपने नॉर्मली जैसे बिल्कुल लिख दिया कि भाई एरिया ऑफ, आपको बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है आप, और साइड दे रखी है 4 और 5, आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 4 × 5 = 20. वहीं पर आप एक अगर एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करते हो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, साइड इज इक्वल टू 4, सॉरी अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे थे. ओह माय गॉड, ज्यादा हो गई, बहुत मैथ्स हो गई, मेरे ऊपर से जा रही है. रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया वी आर अवेयर अबाउट इट, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर आप यही चीज एक ऊपर एक स्टेटमेंट में लिख देते हो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इनटू बी, एल ये गिवन है, बी ये गिवन है, तो एक आपका ज्यादा टाइम नहीं गया बट आंसर की प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क पड़ा. yes. तो एक टॉपर का मैं स्निप लेकर आई हूँ कि उसने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया था. सो एक यहाँ पर मैथ्स का ही क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, या फिर प्रियंका मैम से पूछते हैं कि उन्हें कितनी मैथ्स आती है. चलो आज हम एक्सप्लेन करते हैं, चलो आज हम एक्सप्लेन करेंगे. तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो. चलिए मैम, अगर हम मैथ्स का लेट मी कम हियर मैम. यस यस यस. सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मैथ्स का स्निप, आप इसमें देखिए कि टॉपर्स की कॉपी है, है ना. टॉपर्स ने क्या किया इसके अंदर, इसमें टॉपर ने भी आंसर दिए, तो टॉपर ने किस तरीके से आंसर दिए वो देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम मैथ्स में क्या करते हैं नॉर्मली, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने उसको सॉल्व करना शुरू किया, हम सिर्फ इतना पार्ट लिखते हैं. राइट, हम सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे, हम सिर्फ इतना ही पार्ट लिखेंगे, हम सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे. लेकिन जो टॉपर होगा वो उसको पूरा डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करेगा. देखो उन्होंने पूरा पूरे की पूरा अपना क्यूब बनाया है, डायग्राम बना, डायग्राम yes. की जो भी लेबलिंग गिवन थी, जो भी डायमेंशन जो भी डायमेंशन गिवन थी वो प्रॉपरली मेंशन्ड है. इस डायग्राम के ऊपर क्या चीज सरमाउंटेड थी, क्वेश्चन yes. हमसे क्या पूछना चाह रहा था, सबसे पहले वो डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पर टॉपर ने यहाँ पर शो किया है. yes. तो इस डायग्राम को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, ये बच्चे ने कैलकुलेशन ठीक कियो ना कियो, लेकिन इसे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया. तो एक वो दिमाग में चीज ऑटोमेटिकली एग्जामिनर के माइंड में चली जाएगी जब उसे ये डायग्राम दिखेगा. और उसने इवन फॉर्मूला भी देखो कितने क्लियरली मेंशन किया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया इंक्लोज्ड बाय द, डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला सबको आता है, ये चीज भी आपको आती है,
जस्ट अ सेकेंड एवरी वन, ये चीज भी आपको आती है. वेयर इज द स्टाइलिस्ट, दिस थिंग यू आर अवेयर अबाउट इट. जस्ट अ मिनट, आई एम लिटिल टेक्निकली चैलेंज, सो फॉरगिव मी फॉर दिस टाइम. आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ना हो. चलिए, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला तो लिखा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं किया है. एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा, इस बच्चे को क्वेश्चन आता है कि ये क्या कर रहा है, पहले क्यूब का सरफेस एरिया ले रहा है, टोटल सरफेस एरिया ले रहा है, फिर हेमिस्फेयर का सीएसए ले रहा है, देन आफ्टर यहाँ पर उसने फॉर्मूला लिखा, फिर लास्ट में उसने वैल्यूज पुट करी, एंड दैट्स इट. बस इतना सा एफर्ट डालना है आपको, बस इतना सा एफर्ट डालना है. और एक चीज और यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं, मैथ्स में आपका जो भी आंसर आता है एट द लास्ट, उसको अगर आप डब्बे में बंद कर देंगे ना, वो सुंदर दिखता है, हाईलाइट दिखता है, दूर से पता चल जाता है इस बच्चे का आंसर सही आया है. तो बस ये छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं जो आपको करने हैं, विच कैन मेक यू अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल. चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपका बायोलॉजी का है, तो इसको प्रियंका मैम अच्छे से समझाएंगी. मैम आप इधर आ जाइए. अगर हम बात करेंगे नॉर्मली एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आई थिंक सबको पता है. एक में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, एक में मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी नहीं हो रहा है. देखो मैम को भी पता है ना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. हम बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मली अगर जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, ये हेडिंग मेंशन करेंगे आपकी, और उसके आगे एक समरी के फॉर्म में लिख देंगे, फिर नीचे एनारोबिक रेस्पिरेशन मेंशन करेंगे और उसके आगे समरी के फॉर्म में लिख देंगे. बट जो टॉपर होगा उसको पता है कि डिफरेंस पूछा है, तो प्रॉपर ऐसे टेबल बनाएगा, और टेबल्स बनाने के बाद वो डेफिनेशंस लिखेगा फर्स्ट में, और आप देखो कंपेयर करके लिखा है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट इससे नहीं मिल रहा, कंपेयर किया गया है पूरा, तभी तो हमें डिफरेंस पता चलेगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का. और इसमें एग्जांपल्स को भी मेंशन किया गया है कि क्या एग्जांपल्स होते हैं. बायो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टर्म मेंशन कर रहे हो तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको एग्जांपल्स लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है. और आप जो भी लिखो, भले इसके अंदर एग्जांपल्स को हाईलाइट नहीं किया गया, तो आप ट्राई करो कि आप क्या करने वाले हो, उसको जस्ट हाईलाइट कर दो, उसके नीचे एक अंडरलाइन लगा दो, ताकि वो क्या हो, हाईलाइट हो जाए, एग्जामिनर की नजरों में आ जाए कि अच्छा आपने एग्जांपल्स भी लिखे हैं. प्लस बायो के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है हमारे डायग्राम्स. वो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो कि आप बायो के अंदर एग्जाम डायग्राम्स जो है बहुत नीटली बनाओ, प्लस उनको लेबल करो. अगर लेबलिंग गलत होगी मैम, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. यस मैम, आप बताइए बायो के बारे में ज्यादा आपको मुझे बायो के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन बायो के डायग्राम्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं. तो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रियंका मैम से कि वो भी हमें एक डायग्राम बना के दिखाएं, इजी सा जो उनका मन है, स्टूडेंट को लेबल करके भी बताए कि कैसे क्या बच्चों को फॉलो करना चाहिए. आज हम चैलेंज देते हैं मैम को कि मैम आज डायग्राम बना के दिखाए. चलिए मैम, अगर मैम मैं आज आप बायो का डायग्राम बना, मैं तो हर क्लास में बना रही हूँ, आज आप एक डायग्राम. मैं डायग्राम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन वो डायग्राम सिर्फ मैं ये बना सकती हूँ बायोलॉजी में. जल्दी बता दो ये किस चीज का डायग्राम है, इतना बड़ा है, एक एक चीज तो पता होनी चाहिए आपको. मत मेंशन करो मैम क्या है ये, मेरे को सिर्फ यही डायग्राम आता है, क्योंकि यही एग्जांपल सबको पता है. अमीबा कुछ नहीं आता, तो बायो भी आपको प्रॉपर, जैसे मेरे को तो सिर्फ यही डायग्राम आता है, आपको मेरे से ज्यादा डायग्राम आने ही चाहिए. और इसको कैसे आप लेबल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैम इसको जरा लेबल, ये इतना ज्यादा नहीं आता मुझे, इसको आप लेबल. कोई बात नहीं, अमीबा को छोड़ो लेबल, आप इसको छोड़ो कि लेबल करना है, आप बस इतना बात का ध्यान रखो कि डायग्राम्स जो बन रहे हैं, जैसे मैम ने देखो कितना प्यारा तरीके से अमीबा बनाया, आपको पता है ना अमीबा के सेल बिल्कुल गोल नहीं बनाया मैम ने, ये भी बहुत बड़ी बात है. मैथ्स की टीचर होने के बाद भी इनको पता है कि इस टाइप का डायग्राम बनने वाला है अमीबा का, है ना. इसी में आप मैथ्स को भी रिलेट कर सकते हैं. बच्चा ये क्या है, ये आपका पॉलीगॉन नहीं है, आप सबको देखो कहीं पर भी मैथ्स आ सकती है, कहीं पर भी मैथ्स आ सकती है. अब ये पॉलीगॉन कहलाया जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज अ कर्व, क्योंकि पॉलीगॉन मैम आप भी सीखो, मैं आपको सिखाती हूं. देखो अमीबा जो है वो पॉलीगॉन नहीं है, एक क्लोज्ड कर्व के अंदर आता है, क्योंकि पॉलीगॉन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ अ लाइन, एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए और हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए. तो ये क्लोज तो है, बट इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ये आपका कर्व है. बेसिकली अमीबा ये कर्व नहीं है. चलिए, भूल मत जाना कहीं मैथ्स और बायो में जंबल हो जाओ एग्जाम में. चलिए, तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. बहुत मस्ती मजाक हो गए, पॉइंट्स बहुत सीरियस हैं ये, एंड मेक श्योर कि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप सिर्फ मैम को देख रहे हैं, मैम को सुन रहे हैं. हो सकता है कि आफ्टर 2 डेज 3 डेज आपके धीरे धीरे ये पॉइंट्स दिमाग से स्किप होना स्टार्ट हो जाए. तो कहां पर ये वीडियो ढूंढोगे, कब तक ये वीडियो देखोगे? अगर आपने खुद अपनी हैंडराइटिंग में अपनी नोट्स नोटबुक में लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स, तो आई गेस
हमसे ज्यादा आप अपनी हैंड राइटिंग या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स पे बिलीव करोगे और उसको रिमेम्बर करने में आपको ज्यादातर टाइम नहीं लगेगा, वो लॉन्ग टाइम तक ध्यान में भी रहेंगे। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज भाई घर का मेहमान, घर का बच्चा बोलू मैं बिल्कुल इसे, एनसीईआरटी को तो बिल्कुल फुटेज ही नहीं मिलती है। जैसे ही कोई बच्चा 9th और 10th क्लास में आ जाता है तो बिल्कुल हाँ एनसीईआरटी तो यार कौन ही पढ़े, गंदी सी बुक। भाई एनसीईआरटी जो बच्चे नीट और जेई के लिए भी बैठे हैं ना, सबसे पहले उनके एजुकेटर्स उनको सजेशन देते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उन्हें क्या कंप्लीट करनी है, अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। तो आप 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 8th के हैं, किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, भाई घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, बट एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। आपको लाइन बाय लाइन, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, बिल्कुल घोट के पी जाओ। और जब आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तब क्या करना है मैम? तब जंप करो आप किसी भी रेफरेंस बुक पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी के जितने भी हाईलाइटेड या बोल्ड टर्म्स है वो आपको सारी पता होनी चाहिए। देखो मैं तो बायो की बात करूंगी या फिजिक्स या केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं ज्यादातर वही पढ़ती हूँ, तो ट्राई करो कि वो बोल्ड टर्म सारी होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली रेफरेंस बुक पे चले जाए। आप मैथ्स में फिर भी ट्राई कर सकते हो कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको फॉर्मूला आ गया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना, तभी आप जाके क्या बोलते हैं उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बट अगर हम बायो की बात करें तो आपको बेसिकली सबसे पहले आप स्टिक जो है अपनी एनसीईआरटी पे रहो, सारे के सारे जितनी भी बोल्ड टर्म्स है सारी बोल्ड टर्म्स कंप्लीट करो फर्स्टली, देन किसी भी रेफरेंस बुक पे जंप करो। बिल्कुल। और मैम जब बच्चा नया नया 9th और 10th में आता है ना, उसे एक तरीके का फैशन रहता है कि आई वॉन्ट अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक। यार मेरे फ्रेंड के पास वाली बुक थी, मेरे पास नहीं थी। मेरी बहन वाली बुक पढ़ती थी स्पेशली, मेरे पास तो मैं भी वही पढ़ू। अब घर में मम्मी पापा का सर खाना है कि मम्मी देखो यार रिया वो वाली बुक खरीद के लाई थी, राहुल के पास लखमीर सिंह थी लेकिन रिया के पास तो अरियन थी, मतलब ये दोनों बुक ही अच्छी होंगे, मुझे दोनों बुक चाहिए। भाई देखो बुक कोई भी अच्छी खराब नहीं होती, इट्स लाइक कि आपको दूसरी बुक पर, मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको दूसरी बुक पर स्विच करना है, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू, बट ट्राई एंड मेक श्योर कि पहले एक बुक कंप्लीट हो जाए। जब वो आप बुक कंप्लीट करते हो यार आपको लगता है कि यार हाँ ये 70-80% मैंने कंप्लीट कर लिए, अब ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आई हैव टू स्विच टूवर्ड्स अनदर बुक, तब आप ये डिसीजन लीजिए। जब इतनी सारी आप फैंसी बुक्स को सजा के रख लेते हैं ना तब क्या होता है, बट जब तक मैम नई बुक आती है ना तब वो क्रेज थोड़ा बहुत सिलेबस आना है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आने हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स को आप फर्स्टली एनसीईआरटी से कंप्लीट कर दीजिए, देन उस चैप्टर को रेफरेंस बुक में पढ़िए। डायरेक्टली उसको रेफरेंस बुक से मत पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा भी दिया होता है और टर्म्स को कुछ डिफरेंट नेम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी बात पे मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, और स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैम पता है एक कॉन्फिडेंस बच्चे में तभी आता है मैथ्स को लेकर, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, एक्चुअली होते भी है सॉल्व। एग्जैक्टली, जब वो आंसर आने लगता है और आंसर शीट में आंसर मैच जाता है ना, तब वो जो मैथ्स का एक हवा और जो डर बना हुआ है तब वो जाके धीरे धीरे कम होता है। अब आप एक बात सोचो, आपने एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा मैथ्स में और आप सीधे चले गए आरडीआरएस के वो सुंदर और हेवी क्वेश्चंस की तरफ, अब आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व, स्टैंडर्ड ही हाई है, अब आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, अब आप उसमें फंस के रह गए, तो अब आप क्या करोगे, आपके दिमाग में ये माइंड सेट बनेगा ये मैथ्स तो है ही बेकार, ये मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है। और इसी के साथ अगर आपने उसको बेस से स्टार्ट किया और ग्रेजुअली इफ यू आर इंक्रीजिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ अ क्वेश्चन, तब आपको उसे करने में मजा आएगा, क्योंकि मैंने आंसर सॉल्व, एग्जैक्टली आप सॉल्व कर पा रहे हो उसको। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप एक बार में चाहते हो कि फर्स्ट ईयर से सीधा आप टॉप स्टेयर पे पहुंच जाओ, आप रियल नंबर्स पॉलीनोमियल्स में प्रो बन जाओ, तो आई एम सो सॉरी टू से स्टूडेंट्स, यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो ट्राई करो कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, ठीक है? आई गेस बहुत ज्ञान हो गया, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं
तो आई डोंट थिंक कि आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे. और बेसिकली हम सब यहाँ पर हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए. हर एक स्टूडेंट माइट भी अभी आपका वो गोल सेट नहीं हुआ हो, अभी आप सोच रहे हो कि मैं आई विल बी डॉक्टर, आई विल बी इंजीनियर, आई विल बी आईएएस, लेकिन जब एक टाइम पर वो चीज़ आपने सोच ली है ना, दैट मीन्स आप उस गोल के पाथ पर चल रहे हो. तो कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी. अब ये कंसिस्टेंसी बहुत हैवी वर्ड है, मतलब क्या है कंसिस्टेंसी? मतलब बच्चा रेगुलैरिटी. जब तक आप ये रेगुलैरिटी अपनी लाइफ में का पार्ट नहीं बनाते हो, तब तक चीजें वोंट गोना वर्क. तो अगर आपने अपना टाइम टेबल फिक्स किया है, उसे रंग बिरंगे पेनों से सजा ही लिया है, उसमें कार्टून और स्टिकर्स बना ही लिए हैं, तो उसको फॉलो भी कर लीजिए. एक्चुअली मैम क्या कहना चाहती है कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना, क्या बताया था हमने फर्स्ट पॉइंट अपना टाइम मैनेजमेंट, तो उसमें हमने क्या बोला था कि आप अपने गोल सेट करो, आपको पता होना चाहिए कि आज पूरे पूरे दिन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं. तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम अपना टाइम टेबल पूरा सेट कर लेते हैं, एक दिन फॉलो करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें रह जाती है, नेक्स्ट डे हम उसे फॉलो ही नहीं करते, हम उसे फॉलो करना बंद कर देते हैं. बट हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में उस जो टाइम टेबल बनाया उस पर बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, चाहे हमसे चार चीज़ें छूट जाएँ आज होनी, बट हमें नेक्स्ट डे भी उसे फॉलो करना है. हम जैसे जैसे उसे फॉलो करते जाएंगे ना, हम उस पे पूरी तरीके से उस ट्रैक पे आ जाएंगे कि हम एक वो होता है ना कि एक बार ट्रैक पे आ गए तो जाती है, हैबिट हो जाते हैं. इसका एक बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं कि आपको बचपन से आदत है ब्रेकफास्ट करने की या ब्रश करने की. अगर आपको आप इस चीज के हैबिचुअल बन गए हो कि आपको सुबह उठ के ब्रश करना है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, सुबह नहीं होती दिन की. इसी तरीके से अगर आप अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंसी ला सकते हो, लेकर आ गए अगर, तो जैसे वो ब्रश किए बिना सुबह शुरू नहीं होती ना, ऐसे पढ़ाई किए बिना भी दिन खत्म नहीं होगा. तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़े से एफर्ट, जो भी टाइम टेबल उस पर स्टिक करो, बिल्कुल थोड़े से एफर्ट्स डालने आपको. और बिलीव मी गाइस, Believe me, I'm still a student. अगर आपने ये चीज कर ली तो आपको सक्सेसफुल होने से, आपको गोल पर अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकते. और अभी तो आपका बस शॉर्ट टर्म गोल तो आपका है ही ना, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल है आपका हाफ ईयरली, एग्जैक्ट 95% लेके आना, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल तो है ही आपके पास, बस उस पे स्टिक रहो, एक टाइम टेबल बना लो प्यारा सा, उस पे स्टिक रहो, ठीक है? एग्जैक्टली. तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू से हियर दैट यू कैन डू इट. एक बार ट्राई करो, बी कंसिस्टेंट, और आप डेफिनेटली अपने हर गोल को अचीव कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे. तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन हमारी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए. अगर आपको डेफिनेटली अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स फॉलो करने वाले हैं तो आपको चेंज दिखेगा, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 2 दिन में 5 दिन में 6 दिन में डिफरेंस दिख जाए, तो इतना इजीली कुछ डिफरेंस आ जाए तो उसमें मजा नहीं आता. अगर आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे, इस चीज को आप 1-2 वीक तक भी फॉलो करेंगे, यू कैन डेफिनेटली मार्क अ चेंज. आप डेफिनेटली उस चेंज को देख पाएंगे. तो चलिए इसी के साथ, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैम बताएंगी. यस, एक्चुअली में हमने आपके साथ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, इसी पे हम क्या कर रहे हैं, हम भी अपने चैनल पे एक्चुअली में आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं, ताकि आप क्या कर सको, हर सब्जेक्ट पे फोकस कर सको. एक्चुअली पहले हम लॉन्ग वीडियोस लेके आ रहे थे तो क्या हो रहा था कि एक ही सब्जेक्ट पे वो चीज़ें स्टिक हो रही थी, अब हम शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट लेक्चर्स में आपको 20-30 मिनट्स में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, मैम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा देगी. तो उससे क्या होगा, आपके जो भी आपकी जो एक टॉपिक है ना, वो पूरी तरीके से एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा. तो इसीलिए ताकि आपको इन जितनी भी क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप क्या करिए, इस टेलीग्राम चैनल को जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जल्दी से जाओ ज्वाइन करो. और मैम कितने रुपए लगते हैं इसको ज्वाइन करने? अरे बिल्कुल फ्री है, सच बोल रहा हूं. जितने भी नोट्स है ना आपके बिल्कुल फ्री होंगे, आपको ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है. तो भाई जब इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड होंगे, इसके अंदर आपको जो क्लासेस होने वाली हैं आगे, आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, डीपीपीज मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपको पता भी चले. सब कुछ फ्री में, यस सब कुछ फ्री में. हम नोट्स के लिए भी आपसे कुछ नहीं पे
नहीं वो बोलेंगे, बस आपको सब कुछ जाके अभी जिसको जाके जस्ट ज्वाइन करना है। आई डोंट थिंक गाइस कि आपको ये मिस करना चाहिए, ट्राई करो कि ऐसा हो मिल रहा है नहीं मिल रहा है कम से कम जाके चेक तो करो। डेफिनेटली तो अभी तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप राइट नाउ। अगर आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, अगर आपको सारी सेशन की अपडेट टेलीग्राम पे मिलती है, और ये भाई देखो इंस्टाग्राम ये तो भाई सबकी उंगलियों के नीचे रहता है, भी फॉलो करो। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा हैंडल पे फॉलो नहीं किया है सीबीएसई स्पेशल को, या गाइस यू आर टू लेट नाउ, अब तो जल्दी से चले जाओ फॉलो कर लो हमें इंस्टाग्राम पे, जहां पर आपको हमारा डेली स्केड्यूल पता चलेगा और भी बहुत ढेर सारी चीजें। और सबसे इससे एक और बेनिफिट है, अगर आप लोग अपने एजुकेटर से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो हमें सीबीएसई स्पेशल पे, आप कॉमेंट्स में लिख सकते हो, वी विल डेफिन, हमारी पूरी टीम है इसके पीछे, दे विल गोना टेल अस, और हम वो वीडियो वो लेक्चर आप सभी के सामने डेफिनेटली प्रेजेंट करेंगे। तो ये दो काम है हमारी तरफ से, जल्दी से जाइए, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यस या सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली, आप सब लोग कर सकते हो। और अगर आपको और ज्यादा डुअल सेशंस चाहिए, अगर आपको ये पीपी प्रियंका मैम और प्रियल मैम की जोड़ी पसंद आया, इट मींस पीटू, अगर ये जोड़ी अच्छी लगी हो या अगर आपको और डुअल सेशंस चाहिए तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गोना लव टू मेक सच सेशंस फॉर यू ऑल एवरीवन। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेना है, यू विल गोना क्रैक इट। ऑलराइट, सो बाय बाय। Bye, see you all with another video. Till then, lots of love everybody. Do take care of yourself. Good day. Bye-bye everyone.